हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा फॉर लूप, फॉर आई इन, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ रेंज, आर ए एन जी ऑलरेडी लगा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना, इसे कहते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, इसे कहते हैं एंडिंग वैल्यू। और कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है आपसे इंटरव्यूज में या किसी एग्जाम में भी, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आपको क्या बोलना है कि ये माइनस टू स्टेप कैसे चलेगा। यहाँ पर माइनस टू स्टेप तो चलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर माइनस टू नहीं जाएगा ये। यानी अगर इसको हम चलाते हैं तो इस कंडीशन में कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर ब्लैंक आउटपुट आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आया हुआ है। लेकिन यही चीज अगर ऐसे हो कि माइनस टू से चलकर माइनस दस तक ये जाए, देखिए ये माइनस दस हो गया और फिर यहां पर माइनस टू हो, ठीक है, फिर माइनस टू स्टेप चले, ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से ये हो गया। तो आप देखेंगे कि यहां पे माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस एट आएगा। तो ऐसे कंडीशन में तो आउटपुट आना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये हुआ कैसे, तो देखिए दो से लेकर दस तक चलेगा लेकिन बीच में माइनस टू का स्टेप रहेगा। तो दो से लेकर दस तक चलता तो क्या आउटपुट आता, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ तक आता क्योंकि रेंज लगा हुआ है। लेकिन यहां पर माइनस टू स्टेप का मतलब ये हो गया कि पहले इनिशियलाइज किया है, इनिशियल वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू से स्टार्ट होगा, फिर माइनस थ्री नहीं प्रिंट होगा, माइनस फोर प्रिंट होगा, माइनस फोर के बाद माइनस फाइव नहीं होगा, माइनस सिक्स होगा, माइनस सिक्स के बाद माइनस सेवन नहीं होगा, माइनस एट हो जाएगा। तो इस तरीके से यह काम करेगा, ठीक है। और बाकी रेंज लगा हुआ है तो नाइन एक तो माइनस कर देगा टेन में से, फिर तो आगे जा नहीं पाएगा, तो इस वजह से ये ऐसा आउटपुट आता है।